क्यों? क्योंकि जब उसने सिर्फ हाथ से ताली देने बजाने का फजल बख्शा तो हमने वो दिल से बजाई, जब उसने गाने का फजल बख्शा हमने दिल से गाया, जब उसने कलाम सुनाने का फजल बख्शा हमने दिल से कलाम सुनाया, और जब उसने तरबियत का फजल बख्शा तो हमने लोगों को दिल से तरबियत दी और उसने हमारी बरकतों को बढ़ाया। तो इसी तरीके से खुदा आपकी भी बरकतों को बढ़ाएगा। पुराने दौर में, आजकल तो दौर बदल गया ना, पुराने दौर में चर्च में सिर्फ ये तबला ढोलकी और कांगो वगैरह होते थे, तो अब तो दुकानों से भी रेंट पे मिल जाता है, लेकिन पहले सिर्फ चर्चेज में होते थे। और चर्चेज में जो ऐसे साध होते थे जिनको खुदावंद की इबादत और प्रस्तिश के लिए मखसूस किया जाता था, उन्हें कभी भी शादी ब्याहों पर या किसी और प्रोग्राम पर इस्तेमाल नहीं किया जाता था। कहते नहीं, ये खुदा के लिए मखसूस है, ये उम्र भर के लिए खुदा को दे दिया गया। जब तक ये है, चाहे इंसान है, चाहे साज है, चाहे बिल्डिंग है, चाहे गाड़ी है, चाहे कुछ भी है, वो किसका है? खुदा का। कहते अब से लेके उम्र भर तक ये खुदा को दे दिया गया। इसलिए इस हकीकत को समझें कि हमारे पास जो कुछ भी है वो सब खुदा की तरफ से दिया गया है। और आप जब खुदा को और उसके लोगों को गहरे तौर पर अपना आप सौंप देते हैं, तो फिर खुदा आपकी जिंदगी में बड़े बड़े अजीब काम सर अंजाम देता है। आज देखें, सैमुअल के दौर में हजारों बच्चे पैदा हुए होंगे जब सैमुअल पैदा हुआ, लेकिन आज सन 2022 में किसी और बच्चे का नाम दुनिया में पता भी नहीं लोगों को, लेकिन सैमुअल का नाम किताब मुकद्दस का हिस्सा बन गया। पता है क्यों? क्योंकि उसकी मां ने कहा था, ये अपनी जिंदगी भर के लिए खुदावन को दे दिया गया है, मेरा नहीं है, अब ये खुदा का। इसलिए इस हकीकत को समझें कि हमें जो कुछ भी दिया खुदा ने दिया, हम उसके इस्तेमाल करने वाले हैं, मुख्तार हैं, उसका असल मालिक हमारा खुदा है, और हमें इस हकीकत को समझना और मानना चाहिए। इस आयत का आखिरी हिस्सा है, सब तब उसने वहां खुदावन के आगे सजदा किया। एक बात याद रखें, ये ना हम एक चीज सुनते थे कि मियां बीवी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, मुझे लगता है ये मिसाल गलत, क्योंकि मियां बीवी एक गाड़ी के दो पहिए नहीं, मियां बीवी एक गाड़ी को खींचने वाले दो इंजन। जब आप पहाड़ों की तरफ जाते हैं ना, क्वेटा वगैरह में, तो वहां इंजन का एक इंजन का गाड़ी को लेके चढ़ना मुश्किल होता है, तो फिर वो क्या करते हैं कि ट्रेन के आगे भी एक इंजन होता है और ट्रेन को पीछे से धक्का देने के लिए दूसरा इंजन लगाया जाता है। तो खानदान तो ऐसे ही चलते हैं, बंदा जो होता है वो बाहर जोर लगा रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, कमा रहा होता है, ला रहा होता है, और औरत उस तमाम चीजों को घर में बैठ के दूसरे इंजन का काम कर रही होती है, वो घर को चला रही होती है, बना रही होती है, सवार रही होती है, और घर को वो अपने मुताबिक जैसा चाहती है घर बनना शुरू हो जाता है। और मैंने जब इस बात पे गौर किया तो मुझे लगा कि ये बात ज्यादा अच्छी है कि मियां बीवी एक गाड़ी के दो पहिए नहीं है, बल्कि एक ट्रेन के जैसे दो इंजन होते हैं कि जब अगला इंजन थक जाता है तो फिर पिछला इंजन जो होता है धक्का लगाना शुरू कर देता है। और ऐसे घरों में भी कई दफा आपने देखा होगा कि जब एक जो शरीके हयात होता है वो काम करने के काबिल नहीं रहता, तो बीवियां कभी कभी उसकी जिम्मेदारी अदा करना शुरू कर देती हैं। इसलिए क्योंकि
ये जो मियां बीवी हैं एक गाड़ी के दो इंजनों की मानंद। और ये बात याद रखें कि हम अक्सर इस मौजू पे बात करते हैं कि लीडर बनते हैं कि पैदा होते हैं, लीडरों को बनाते हैं या पैदा होते हैं। कुछ कहते हैं जी लीडर को बनाया जाता है, कुछ कहते हैं जी लीडर पैदा होते हैं। मैं कहता हूं कि हर इंसान जो इस दुनिया में पैदा होता है वो लीडर बनाकर खुदा ने उसे इस दुनिया में भेजा है। उसने कहा जाओ दुनिया को मामूरो महकूम करो। भाई आदम और हवा को कहा, और आपके खानदान में जो औरत है वो हवा की नुमाइंदगी करती है, और जो मर्द है वो आदम की नुमाइंदगी करता है। और ये बात याद रखें कि बेटा जितना मर्जी माँ से प्यार करे, कॉपी वो हमेशा अपने बाप को करता है। अजीब बात है, पता नहीं आपके तजिए में आपके तजर्बे में ये बात है या नहीं, ठीक है ना। और लड़कियां जितनी मर्जी प्यो पे, वो पंजाबी जी कहते डुल डुल पैन, ठीक है ना, फॉलो वो अपनी माँ को करती है। क्यों? क्योंकि ये उसने ऐसे ही हमें बना के भेजा, और हम इसी तरीके से इस दुनिया को चला रहे हैं। आज तक सन 2022 तक ये दुनिया ऐसे ही चल रही है। बेटियां अपनी माँ को फॉलो करती हैं, प्यार बाप से ज्यादा करती हैं। बेटे मावां नूं बड़े जफियां ते पपियां करदे ने, लेकिन फॉलो उन्हूं नहीं करते, फॉलो प्यो नहीं करते। आपने कभी नहीं सुना वो या तो बोलता भी अपने प्यो वांगू, वो या तो खलोंदा भी अपने प्यो वांगू, लै तू तो अपने प्यो वाली गल करन दे। वो करे की उन्हें सारी उम्र फॉलो ही प्यो नूं कीता है कि नहीं। जी बात आखरी जो वो काम करती है ना वो कहती नहीं। आयत के पहले इसमें हिस्से में उसने एक बात कही, दूसरे हिस्से में दूसरी बात कही, पर तीसरे हिस्से में उसने कुछ कहा नहीं है बल्कि किया है। आए जरा देखें यहां पर लिखा है, तब उसने वहां खुदावन के आगे सजदा किया। ठीक है ना, उसने कहा बातें हो गई, ठीक है, इसलिए मैंने भी इसे खुदावन को दे दिया। उसने कहा खुदावन ने दिया इसीलिए मैंने इसे खुदावन को दे दिया। दूसरी बात उसने कही, ये अपनी जिंदगी भर के लिए खुदावन को दिया गया है। लेकिन तीसरे मरहले पे वो बात नहीं करती, वो अपने बेटे को करके दिखाती है कि पुत्र तेनू इत्थे कादे लई मैं लैके आई हूं। और मैंने कई दफा देखा है कि जब हम दुआ करते हैं तो जब बच्चे छोटे होते हैं उन्हें समझ कोई नहीं होती कि दुआ कैसे करनी है। वो हमारी तरह ही हाथ जोड़ते हैं, हमारी तरह ही आंखें बंद करते हैं, हमारी नकल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो हमें फॉलो करना चाहते हैं। तो उसने अपने ही बेटे को सिजदा करके दिखाया कि पुत्र ऐस काम लई मैं तेनू इत्थे लैके आई हां, तू इत्थे यहोवा खुदा नू सिजदा करन आया, ओदे हजूर अपनी जिंदगी पेश करन लई आया। मसला ये है कि हम जो बच्चों को कहते हैं वो नहीं करते, ठीक है ना। हम बच्चों को कहते हैं ये ना करो, वो ना करो, वो ना करो। बच्चे कुछ भी ऐसा नहीं करते जो हम उन्हें कहते हैं, लेकिन जो कुछ हम करते हैं हमारे बच्चे वो करना शुरू हो जाते हैं, है कि नहीं। यानी कि जो हम कहते हैं वो बच्चे नहीं मानते, लेकिन जो हम करते हैं वो बच्चे करते हैं। तो अगर बच्चे ठीक नहीं चल रहे तो प्रॉब्लम किसमें है वाला है जी, प्रॉब्लम किसमें? जिस माँ ने उसे सिजदा करके नहीं दिखाया, सैमुअल की माँ ने उसे सिजदा करके दिखाया, जिस बाप ने बेटे को दुआ करके नहीं दिखाई। जब हम बच्चों के सामने मिसाल नहीं बनते तो फिर वो हमसे वही सीखते हैं जो दरअसल हम नहीं चाहते कि वो सीखें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे म्यारी हों, आला हों। जिस तरह लोगों के बच्चे बड़े वेल बिहेव होते हैं, बड़े अच्छे तरीके से बैठते हैं, अच्छे तरीके से सब कुछ करते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे वैसे हों, लेकिन हमारी अपनी हरकतें वैसी नहीं होती। अपनी हरकतें हमारी किसी और तरफ जा रही होती हैं, बच्चों को हम किसी और तरफ लेके जाना चाहते हैं, पर ऐसा होता नहीं। आप उनके हीरो हैं। माँ जो होती है बेटे के लिए, अपनी बेटियों के लिए एक मिसाल होती है। और मैं
हैरान हो गया कि इस बात को तो नबी ने अपनी किताब में लिखा कि बेटियां अपनी माँ की पैरवी करती हैं। तो ये बात समझें, पहली चीज, जो कुछ भी आपके पास है आज इस हकीकत को खुदावन के सामने रखें कि ये सब कुछ किसका है? खुदा का। पादरी टोनी विलियम का नहीं, आपका नहीं, ये सब कुछ खुदा का है। और उसको उसके सामने पेश करें, उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करें, उसकी कुदरत के इजहार के लिए इस्तेमाल करें। और बच्चे की परवरिश के वक्त हमें मिसाल बनना पड़ेगा। हम चाहते हैं चलो साड़ी जिंदगी तो जिंज दिसी लांगे, पुत्र तू इंज ना करी, अरे वो तो तुझे कॉपी करेगा, वो तेरी बातें सुन ही नहीं रहा। बच्चे नहीं बातें सुनते, बच्चे करते हैं, फॉलो करते हैं जल्दी जल्दी। हम अक्सर माएँ होती है ना, जाओ पुत्र बाहर जाके खेलो, बाहर वो दूसरों को भी गालियां देते देखते हैं वो भी शुरू हो जाते हैं। फिर कभी कभी माँ बाप में जब लड़ाई होती है तो जब बाप और माँ आपस में शुरू होते हैं फिर वो वहां से कुछ सीख लेते हैं, फिर हम कहते हैं गलत ऐसी सिखाइया नहीं, ये बात दुरुस्त है। हम गलत बातें उन्हें सिखाते नहीं, हम उन्हें गलत बातें करके दिखाते हैं। तो जाहिर बात है जब हम गलत बातें करेंगे तो हमारे बच्चे गलत बातों को सीखेंगे। इसलिए आज जब हम ये क्या नाम है बेटे का, हाँ जी उज़ीएल, उर्दू बाइबल और इब्रानी के मुताबिक उज़ीएल द पावर ऑफ द लॉर्ड, ठीक है ना। इस बच्चे की जब इस दिन की शुक्रगुजारी के लिए यहाँ पर जमा है तो ना सिर्फ उसके माँ बाप के लिए बल्कि मेरे लिए और आपके लिए भी मौका है कि हम सोचें कि हमने सारी चीजों को अपनी मेहनत अपनी कोशिश अपनी काविश तो नहीं समझ रखा कि सब कुछ मैंने हासिल किया। ये आम डायलॉग हम अक्सर कहते हैं लेकिन ये बात याद रखें, ये सब कुछ खुदा का है, खुदा ने दिया और हमें उसके लिए उसका शुक्रगुजार होना चाहिए और अपना सब कुछ खुदा के लिए पेश कर दें। मैं कई दफा जब ट्रैवल करता हूं तो मैं हफ्ते में तकरीबन 2-3 दफ़ा लाहौर से बाहर जाता हूं मुख्तलिफ शहरों में खुदावंद के कलाम की खिदमत के लिए। तो कई मरतबा जब हमारे साथी जो मेरे साथ ट्रैवल करते हैं वो डर जाते हैं अंधेरे से, कभी कभी एक्सीडेंट होने लगता है उससे खुदा बचा लेता है, कभी कभी वीराने में टायर पंचर हो जाता है वहाँ से खुदा हमें मदद करता है कि हम कुछ ना कुछ कर लें, कभी ऐसा होता है हम रास्ता भूल जाते हैं और अचानक ही कोई खुदा का भेजा हुआ बंदा आता है और वो अपनी गाड़ी के पीछे हमारी गाड़ी लगाता है और हमें वहां से निकाल लाता है। तो मैं एक ही बात अपनी टीम को कहता हूं, मैं कहता हूं भाई हम खुदावंद की खिदमत करने के लिए निकलें और वो जरूर हमारी मदद करे। उसने हादसात से बचाया, उसने परेशानियों से बचाया, उसने ऐसे ऐसे एक्सीडेंट से बचाया जिसमें लगता ही नहीं था कि हम बचेंगे लेकिन उसने बचाया। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ उसी ने दिया और ये सब कुछ उसी का और हमने उसको दे दिया है सब कुछ, ये सब कुछ तेरे लिए है, तू इसे इस्तेमाल कर अपने जलाल के। और जब ऐसा करेंगे तो फिर वो आपकी जिंदगी में और ज्यादा बरकतें और ज्यादा कामयाबियां और ज्यादा मंजिलें। आपको याद है मसीह ने तोड़ों की मिसाल दी थी, पहले को कितने तोड़े दिए गए थे? जी 5 के 10, एक को 10 दिए गए, एक को 5 दिए गए, एक साढ़ेर का बहुत सियाणा सी उसको कितने दिए गए? एक, उन्हें फड़ के बह गए। लेकिन जिसको ज्यादा दिए गए उसने ज्यादा मेहनत की और ज्यादा बरकतें बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। तो जो कुछ खुदा ने आपको दिया जब आप उसे खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करेंगे तो चीजें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, एक नेमत के बाद दूसरी नेमत आपके अंदर काम करना शुरू कर देगी, एक बरकत के बाद दूसरी बरकत आपकी जिंदगी में आ जाएगी। मैंने जब मसीह को कबूल किया तो मुझे सिर्फ ताली बजानी आती थी,
हम बड़े जोश और जज्बे के साथ तालियां बजाते होते थे अपने चर्च में। फिर हमने पादरी साहब ने कहा आप क्वायर को क्यों नहीं ज्वाइन करते, तो मैंने कहा मेरी आवाज़ तो गाने वाली है नहीं। तो वो ये करते थे मुझे माइक से दूर खड़ा कर देते थे ताकि मैं दूसरों का भी सुर खराब ना कर दूं। तो जैसे आज मैं आपके सामने अपनी आवाज़ में गा रहा था, तो बचपन में हम ऐसे गाते होते थे ऊंची ऊंची आवाज़ में। खुदा ने बरकत को बढ़ाया, खुदा ने हमें ट्रेनिंग के लिए भेज दी, वहाँ से अब ट्रेनिंग करके आए, तो खुदा ने हमें अपने खादमीन को बनाने के लिए अपनी खिदमत के मैदान में इस्तेमाल किया। और पिछले 17 साल से कोई 1000 से ज़्यादा खुदा के खादिम हैं जिनको फ़र्क फ़र्क अदारों में तालीम दे चुकी। क्यों? क्योंकि जब उसने सिर्फ हाथ से ताली देने बजाने का फजल बख्शा तो हमने वो दिल से बजाए, जब उसने गाने का फजल बख्शा हमने दिल से गाया, जब उसने कलाम सुनाने का फजल बख्शा हमने दिल से कलाम सुनाया, और जब उसने तरबियत का फजल बख्शा तो हमने लोगों को दिल से तरबियत दी, और उसने हमारी बरकतों को बढ़ाया। तो इसी तरीके से खुदा आपकी भी बरकतों को बढ़ाएगा। पहली चीज ये याद रखें कि सब कुछ उसका है, उसी ने आपको दिया। दूसरी चीज सब कुछ उसके जलाल के लिए दे दो, उसके काम के लिए दे दो। और तीसरी और आखिरी चीज, हमें अपने लिए नमूना बनना चाहिए, अपने लिए हर काम अपने लिए करें। अगर आप अपने लिए नमूना बन जाएंगे ना, तो फिर दुनिया के लिए भी नमूना बन जाएंगे।